फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम लोग दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे हैं बाई कार, एंड अभी चंडीगढ़ टू शिमला भी हम लोग जाने वाले हैं बाई कार ही ऑब्वियसली। एंड हम लोग दिखाएंगे बीच में जो हमें चीज़ें मिलेंगी, एंड चंडीगढ़ टू शिमला टूर बाई कार हम आपको एक्सप्लोर भी करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है चंडीगढ़ से शिमला की, दैट इज जस्ट 110 किलोमीटर है, एंड इट टेक्स अराउंड 3 आवर्स टू रीच शिमला। बट कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं, और कभी कभी कुछ लोग फास्ट ड्राइव करके, जो नहीं करना चाहिए, 2.5 घंटे में भी पहुंच जाते हैं। तो अभी जो है दिन के इट्स 1:30, दिन के 1:30 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं ये कितनी देर में पहुंचते हैं वहाँ, और रास्ते में कुछ नजारे आएंगे शिमला ऑब्वियसली, जो हिल स्टेशन है उसके पहले भी काफी कुछ आएगा, सोलन, परवानू एंड ऑल, तो वो सब सारी जगह हम लोग देखते हुए और व्यूज को एंजॉय करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं शिमला। दोस्तों, चंडीगढ़ से अब हम लोग आ गए हैं पंचकुला होते हुए ये इस शिमला वाले रास्ते पे, और आगे अभी हमें पिंजौर भी मिलेगा। तो अभी हम आपको वो सब सारी जगह शेयर करते रहेंगे। और ये सामने है, ये ओल्ड पंचकुले का रास्ता है, अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ओल्ड पंचकुला मिलेगा आपको, और अंदर अगर आप एंटर करेंगे तो चंडीगढ़ भी पहुंच जाएंगे। आप अगर शिमला आना चाहें तो पर्सनल कैब कार में तो आ ही सकते हैं, टैक्सी से भी आ सकते हैं आप। टैक्सी का फेयर लगभग है 2500 फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला, और आपको टाइम बताया मैंने, लगभग 3 घंटे लग जाते हैं, 3 to 4 hours मैक्सिमम। अगर आप बस से आना चाहें तो 4 hours टाइम लगेगा आपको, 4 hours एंड कभी कभी आधे घंटे और ज्यादा, 4-4.5 घंटे लग जाते हैं। एंड द फेयर फॉर बस इज 200 rupees ऑर्डिनरी बस के हैं, और अगर आपको कुछ दूसरे अच्छी सर्विसेज वाले बसेस अगर लेने हैं, जैसे वॉल्वो बसेस, तो उसके लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लाइक इट विल बी 400 rupees फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला। तो दोस्तों, चंडीगढ़ से शिमला निकलने के क्रम में ये फर्स्ट टोल प्लाजा है जो हमें मिल रहा है ये, और ये पिंजौर के जस्ट पहले है। पिंजौर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है, तो जब पिंजौर आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये फर्स्ट टोल प्लाजा है, और पिंजौर पहुंचने के बाद मैं आपको फिर दिखाता हूँ वहाँ। तो ये अब हम निकले टोल प्लाजा से आगे, और यहाँ से शिमला है 97 किलोमीटर, तो भी मैं आपको बताता रहूंगा। हम लोग पिंजौर की ओर बढ़ रहे हैं अभी, और ट्रैफिक का आलम देखिए, ये क्या ट्रैफिक, तो शिमला ही मिलेगी क्योंकि पहाड़ों की रानी है वो शिमला, कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेकिन वहाँ पे जो वादियाँ होंगी और वहाँ जो एटमोसफेयर होगा, वेदर होगा, क्लाइमेट होगा, दैट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, टुडे इज 14 जून, 14 जून है आज, बहुत ही गर्मी है, मिड जून में आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी होती है, और शिमला में आए हाय देखिए कितना बढ़िया क्लाइमेट होने वाला है, अमेजिंग एंड वेरी एंजॉयबल। और देखिए रोड साइड भी काफी सारे फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं, और इसमें लीची, मैंगो की बहुत सारी वेराइटीज वगैरह मिल रही है, कहीं नींबू शिकंजी वाले भी हमें दिख रहे हैं, तो ये सब चीजें मिलती रहेंगी हमें। हम अब नेशनल हाईवे पे आ गए हैं, और यहाँ से शिमला है 94 किलोमीटर, और पिंजौर भी आने वाला है जस्ट।
हमें पहाड़ भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है ना। अच्छा हाँ, वो व्यूज भी हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा सा फॉगी सा लग रहा है वेदर, अदरवाइज हमें यहाँ से पूरा फील हो रहा है। शायद कैमरे में ना आ पा रहा हूँ, बट जो शिमला की पहाड़ियाँ हैं, हिमाचल की ऑफ कोर्स, अभी शिमला तो काफी दूर है, तो वो पहाड़ियाँ हमें दिखने लगी है। और पहाड़ियाँ दिखने के साथ साथ ही हमें ठंडक की एहसास होने लगी है गाड़ियों में, ऐसा लग रहा है कि ठंडी हवा आ रही है, वो एसी की नहीं इन पहाड़ों की है। दोस्तों ये जगह है पिंजौर, अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस हाईवे को, इस फोर लेन को, और शिमला के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। लेफ्ट साइड को पिंजौर और सीधे अगर जाएंगे तो शिमला। ये वाला जो फोर लेन है ये पिंजौर से जो अभी शुरू हुआ है, ये परवानू से जस्ट आगे हमें वहां पे ले जाके हमें मर्ज कर देगा नेशनल हाईवे पे। वैसे तो अब सोलन तक और शिमला तक भी फोर लेन बन चुका है, शिमला वाला थोड़ा सा कम्प्लीट होने में थोड़ा टाइम है, काफी जगह बन चुका है, बट सोलन तक बिल्कुल ही कम्प्लीट हो गया है। तो सेम फीलिंग आती है जो हम लोग यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं अभी, ये सेम फील आने वाली है शिमला तक ड्राइव करने में, बहुत ही एंजॉयबल होने वाला है ये। और देखिए यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो गई, अभी तो हम एसी अभी ऑन करके रखा हुआ है हमने अपनी गाड़ी का, लेकिन थोड़ी देर के बाद एसी को हम लोग बंद कर देंगे और खिड़की खोल के शुद्ध हवा का सांस लेंगे। दोस्तों ये जो हाईवे है जो परवानू तक हमें लेकर जाएगी, तो पहले कालका होके जाना पड़ता था शिमला, लेकिन पिछले 6-7 सालों से ये जब से हाईवे बना ये फोर लेन, तब से बड़ा आसान हो गया, कालका को बाईपास करके हम लोग सीधा शिमला के लिए निकल जाते हैं। और कालका के लिए जाना हो आपको तो यहीं से कट है, आप ये कट लेके कालका जा सकते हैं, इट इज जस्ट 2-3 किलोमीटर्स ओनली फ्रॉम दिस प्लेस, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो कंजेस्टेड बहुत है रास्ता, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसको आप अवॉइड करें और इसी रास्ते का यूज करें। तो आइए ड्राइव को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ये फोर लेन आके खत्म हो गया परवानू क्रॉस करके, और यहाँ से शिमला हम लोग आई की ओर चलेंगे, एंड दैट इज 85 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, सोलन इज 37 किलोमीटर। अब आई लव हिमाचल, तो दोस्तों ये तो आई थिंक एवरीबडी लव्स हिमाचल बिकॉज ऑफ इट्स सीनिक ब्यूटी एंड फ्रेश एयर। तो दोस्तों अभी आप जो ये रोड देख रहे हैं, ये फोर लेन ऐसे ही शिमला तक गया हुआ है, बट शिमला तक फुल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, वो सोलन तक ही हुआ है, बट सोलन तक भी ऐसे ही बिल्कुल चौड़ी सड़कें हैं, 2+2 फोर लेन, इस पर ड्राइव करने पे एक अलग ही मजा आता है। और जस्ट 3-4 ईयर्स बैक जब ये जस्ट वन साइडेड रोड था, 2 लेन ओनली नॉर्मल रोड, तो फिर इतना एंजॉयबल ड्राइविंग नहीं था, और ट्रैफिक तो पहले भी नहीं थी, आज भी है, वैसे तो डे बाई डे ट्रैफिक भी बढ़ी रही है, बट अब ड्राइविंग का थोड़ा मजा आने लगा है। रोड साइड आपको अगर देखेंगे, आप देखिए ये केन शुगर जूस वगैरह सब कुछ आपको मिल सकता है, और भी अगर आप ये देखिए मैगी पॉइंट भी मुझे दिख रहा है, और ऐसे भी जूस के दूसरे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, ये तरबूजे का स्टॉल्स भी मुझे सामने दिख रहा है, फूड ट्रक भी लगा हुआ है, ओ तो काफी सारी वैरायटीज भी हैं उसपे, तो ऐसे आपको पूरे मिलते चलेंगे यहाँ से शिमला तक। ये जगह है जाबली, यहाँ से शिमला इज जस्ट 64 किलोमीटर अवे, तो हमें लगभग यहाँ से 1.5 घंटे लगने वाले हैं। अभी एक चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी आप ड्राइव करें तो 40-50 की स्पीड रखें आप, दैट इज बेटर, क्योंकि मोड़ काफी सारे हैं, तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, स्पीड बहुत ही कंट्रोल्ड वे में रखना है, क्योंकि रास्ते तो चौड़े हैं लेकिन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा हैं, टू मच, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 सेकंड भी स्टीयरिंग को हम नहीं छोड़ सकते, कंटिन्यूअस लेफ्ट एंड राइट हमें करते रहना है इस ड्राइव में, मजा तो बहुत आता है लेकिन सावधानी भी साथ साथ जरूरी है, और एंजॉय करते हुए आप इस ट्रिप पे आइए और शिमला की वादियों में घूमिए और एंजॉय करते रहिए।
शिमला 62 किलोमीटर ओके फ्रॉम दिस प्लेस। तो यहाँ पे हमें कुछ देर में अभी धर्मपुर भी आने वाला है। धर्मपुर सोलन से 15 किलोमीटर पहले का एरिया है, सोलन से पहले, और वो हमें अभी आएगा यहाँ पे 5 किलोमीटर के विदिन में आ जाएगा। और वहाँ से एक कट लगेगा लेफ्ट साइड से, हमें कसौली के लिए आप निकल सकते हैं। कसौली 15 किलोमीटर फ्रॉम दैट प्लेस धर्मपुर, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। तो कसौली भी काफी फेमस टूरिज्म स्पॉट है हिमाचल प्रदेश का, और बहुत ही अच्छी जगह है, शानदार जगह है घूमने के हिसाब से, तो बहुत ही मजा आता है वहाँ पे। तो आप उसके लिए धर्मपुर आके वहाँ से जा सकते हैं, और टाइम आधे घंटे लगेगा आपको यहाँ से कसौली जाना हो तो। और ये सोनवारा टोल प्लाजा है जिस फोर लेन पे हम लोग चल रहे हैं, उसका टोल है ये सनवारा टोल प्लाजा। तो अब हम लोगों ने यहाँ से एसी को बंद कर दिया है क्योंकि अब ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं वहाँ बोर्ड पे राइट साइड पे ये बस से कवर हो गया बोर्ड। हाँ, ये कसौली, यहाँ से कसौली इट इज जस्ट 11 किलोमीटर। तो यहाँ से आप कसौली के लिए लेफ्ट कट लेकर जा सकते हैं, इट इज जस्ट 11 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस प्लेस एंड टेक्स जस्ट 20-25 मिनट्स टू रीच देयर। ये धर्मपुर का एरिया है, तो इसको आप याद रखें अगर आपने कसौली जाना है तो। कसौली एक सबसे ज्यादा खूबसूरत हिल स्टेशनों में शुमार है, और एक ऐसा और आ गया कसौली का, आप यहाँ से भी ये लेफ्ट टर्न, जिधर से गाड़ी आई है यहाँ से भी लेफ्ट टर्न लेके कसौली के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है धर्मपुर का, अगर आप टॉय ट्रेन से आएंगे तो वो स्टेशन आपको मिलेगी और ट्रेन वहाँ रुकती भी है। धर्मपुर का मार्केट, यहाँ से शिमला है जस्ट 58 किलोमीटर एंड सोलन इज अराउंड 20 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। अब हम लोग सोलन के आउटर स्कर्ट में पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट जस्ट इन 5 मिनट्स में विल रीच सोलन। अब सोलन शहर में हम लोग एंटर कर चुके हैं, और आपको व्यू देख ही रहा होगा शहर का, कितने सारे मकान यहाँ राइट साइड में दिख रहे थे आपको, और देखिए रश और गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही है सोलन शहर में। कहने को रेलवे स्टेशन है लेकिन अब देख लीजिए क्या हाल है इन सब जगह का। माय गॉड, ये तो भीड़ भड़ाका बढ़ते जा रहा है हर जगह पे। सोलन टू शिमला ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है कहीं कहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर अभी काफी सारा मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, और उस साइड का जो रोड है राइट साइड का वो अभी चालू नहीं है, अभी बन ही रहा है, तो थोड़ा सा रोड जो है कहीं कहीं डिस्टर्ब है। ये इसको कम्प्लीटली बनने में मुझे लगता है अभी 1 साल और लग जाएंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क्स इधर भी देखिए चालू है, तो ऐसा एक्चुअली ये मिलता रहेगा हमें शिमला तक कहीं कहीं, और कहीं कहीं तो कंप्लीट भी हो गया है। ये वाटना घाट है, यहाँ 12 यूनिवर्सिटी भी है। तो ये शिमला से 15 किलोमीटर पहले का एरिया है, और सोलन से लगभग ये एरिया है 25 किलोमीटर का। यहाँ हम पहुँच चुके हैं लगभग 2 hours 45 minutes में, पौने 3 घंटे में।
ये वाकना घाट चौक है, यहाँ जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, वो भी काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। दोस्तों हम लोग शोघी पहुंच गए हैं। ये शोघी शिमला से 12 किलोमीटर पहले का जगह है ये, और यहीं से वो जगह मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे, जस्ट एक मिनट के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ से आप जा सकते हैं। शिमला का सबसे प्रसिद्ध और काफी फेमस यहाँ का टेंपल है तारा देवी मंदिर। तो तारा माता का मंदिर है, तारा देवी टेंपल, वहाँ जाने के लिए शोघी से जाना होता है। अभी जैसे हम लोग जा रहे हैं इधर से राइट साइड को एक कट आएगा ऊपर की ओर, वहाँ से 6 किलोमीटर पे ये मंदिर है, तारा देवी मंदिर। ये देखिए सामने ये जो राइट साइड है इधर जहाँ पे ग्रीन बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ से आप तारा देवी मंदिर जा सकते हैं। 6 किलोमीटर की दूरी पर है, ऊपर थोड़ी स्टीप चढ़ाई है, और यहाँ से शिमला जाने में लगेंगे हमें लगभग 15 टू 20 मिनट्स मोर। तो हमें लगभग 3 घंटे हो चुके हैं यहाँ, और लगभग 3.5 घंटे, तो 3.5 घंटे में हम शिमला पहुँच गए हैं आज, चंडीगढ़ से शिमला। नाउ शिमला 10 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। अब हम लोग संकट मोचन मंदिर आ गए, और ये शिमला से 7 किलोमीटर पहले का जगह है संकट मोचन, और इसका रास्ता है यहाँ से, ये यहाँ से हम लोग जाते हैं नीचे की ओर, जो सामने द्वार बना हुआ है इधर राइट साइड। ये भी काफी प्रसिद्ध मंदिर है संकट मोचन भी। ये घोड़ा चौकी एरिया है बेसिकली ये शिमला का। यहाँ पे आपको शिमला के मैक्सिमम होटल्स, बजट क्लास होटल्स जितने भी हैं वो मिलते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट 50% होटल्स बजट होटल्स यहीं पे मिलेंगे। दोस्तों ये है शिमला शहर, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ पहुँचने में हमें लगे हैं 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। 1:30 में चले थे हम लोग, और अभी 4:45 हो रहा है, तो हम लोग 3.75 घंटे में पहुंच गए हैं शिमला। तो दोस्तों आप शिमला आइए और पहाड़ों की रानी क्वीन ऑफ हिल्स शिमला में एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी जर्नी। ये शिमला का बस स्टैंड ISBT, न्यू बस स्टैंड भी बोलते हैं इसे।